यूं तो बैंकों में कई तरह के नियम कानून होते हैं, समय दर समय उन नियमों में बदलाव भी होते रहता है, लेकिन हमें बैंक के सारे नियमों से क्या काम। हम अपने काम संबंधित नियमों से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ नियमों में हुए बदलावों से हम अनजान भी रह जाते हैं, जिसका असर सीधा हमारे बैंक खाते पर पड़ता है, मतलब पैसों की लेन देन पर, जिससे बड़ी ही दिक्कत हो जाती है। ऐसी ही कुछ दिक्कत अभी पीएनबी के खाता धारकों को हुई है। पीएनबी ने सभी खाता धारकों को आरबीआई द्वारा निर्देशित बैंक खाते से संबंधित नियमों को बताते हुए अलर्ट जारी किया है। पीएनबी ने कहा है कि अगर खाता धारक इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनके खाते से पैसों की लेन देन पर रोक लग सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं उस नियम के बारे में। दरअसल आरबीआई के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार सभी बैंक के सभी खाता धारकों के लिए केवाईसी जरूरी होता है। केवाईसी कराने या उसके अपडेशन नहीं कराने पर खाते को फ्रीज कर पैसों की लेन देन पर रोक लगा दी जाती है। इसी संबंध में पंजाब नेशनल बैंक ने ट्वीट कर अपने सभी ग्राहकों को केवाईसी अपडेशन कराने की अपील की है। पंजाब नेशनल बैंक ने ट्वीट कर कहा है कि आरबीआई के निर्देशानुसार सभी ग्राहकों के लिए केवाईसी अपडेशन बहुत अनिवार्य है। यदि आपका खाता 31/3/2022 तक केवाईसी अपडेशन के लिए बाकी रह गया है तो आपसे अनुरोध है कि 31/8/2022 से पहले अपने केवाईसी को अपडेट कराने के लिए अपनी मूल शाखा से संपर्क करें। अपडेशन न करने से आपके खाते के लेन देन पर प्रतिबंध भी लग सकता है। आपको बता दें कि केवाईसी का फुल फॉर्म नो योर कस्टमर होता है। दरअसल केवाईसी एक ग्राहक के बारे में जानकारी देने वाला दस्तावेज होता है। इसके तहत ग्राहक अपने बारे में सभी जरूरी जानकारियां लिखकर देते हैं। बैंकिंग के क्षेत्र में देखें तो हर 6 महीने या 1 साल पर बैंक अपने ग्राहकों से केवाईसी फॉर्म भरवाता है। इस केवाईसी फॉर्म में आपको अपना नाम, बैंक अकाउंट का नंबर, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और पूरा पता भरना होता है। इस तरह बैंक को ग्राहक की सभी जानकारियां प्राप्त हो जाती है। केवाईसी कराना बहुत आसान है, आप घर बैठे भी आसानी से इसे कर सकते हैं। वहीं अगर आप बैंक जाकर इसे करवाना चाहें तो भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप उस बैंक के ब्रांच में जाइए जिस ब्रांच में आपका बैंक अकाउंट है। वहां जाकर संबंधित डेस्क से केवाईसी फॉर्म लीजिए और उस फॉर्म को भरने के बाद और उसमें सभी जरूरी कागजात अटैच करने के बाद जमा कर दीजिए। केवाईसी फॉर्म जमा होने के 3 दिन के अंदर आपका केवाईसी अपडेट हो जाता है। ये तो हो गई केवाईसी और पीएनबी द्वारा किए गए अपने ग्राहकों को अलर्ट के बारे में। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों इम्पोर्टेंट होता है केवाईसी कराना। केवाईसी ग्राहक और वित्तीय संस्थान दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैंकिंग संस्थान को जहां केवाईसी के जरिए ग्राहकों की सभी अपडेट जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं, तो वहीं ग्राहक को इस बात की सुरक्षा मिल जाती है कि उसके अकाउंट में से कोई और व्यक्ति पैसे का लेन देन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब भी बैंकिंग होगी तो उसकी जानकारी ऑनलाइन मैसेज के माध्यम से आपको तुरंत पहुंच जाएगा। अगर आप घर बैठे केवाईसी कराना चाहते हैं तब भी आप इसे कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने डॉक्यूमेंट बैंक को ईमेल कर सकते हैं या फिर आधार के जरिए मोबाइल पर ओटीपी मंगाकर भी केवाईसी पूरी कर सकते हैं। कई बैंक नेट बैंकिंग के जरिए भी केवाईसी की सुविधा देते हैं। अगर आपका बैंक भी ये सुविधा दे रहा है और आप नेट बैंकिंग करते हैं तो घर बैठे आसानी से केवाईसी के प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। लाइव सिटीज के लिए प्रणव प्रकाश की रिपोर्ट।